हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू ऑल इन कंप्यूटर क्लास सो स्टूडेंट टुडे वी विल डू लेफ्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर सिक्स वर्किंग विद वर्ड पैड स्टूडेंट अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से पार्ट वन देख लीजिएगा जिससे आपको पार्ट सेकेंड जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके सो स्टूडेंट दिस इज अनुज कुमार वर्मा एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी पॉइंट ओके सो लेट एस स्टार्ट आवर क्लास सो फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से हमें अपने न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है या किस तरीके से हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट को WordPad की फाइल में बना सकते हैं टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट अगर न्यू डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट क्लिक ऑन वर्ड पैड पहले वर्ड पैड पर हमें क्लिक करना है देन सेलेक्ट न्यू ऑप्शन न्यू ऑप्शन को क्लिक करना है अ डॉक्यूमेंट विल ओपन एज शोन जैसा कि डॉक्यूमेंट आपका ओपन है 6.4 में 6.4 में ये आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ओपन है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी अस क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन विजिट टू द जू इन वर्ड पैड टू डू सो फॉलो फॉलो दिस स्टेप्स इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है फर्स्ट स्टेप क्या है ओपन वर्ड पैड फ्रॉम स्टार्ट मिनो स्टार्ट मिनो से आपको वर्ड पैड ओपन करना है देन उसके बाद आपको क्या करना है type the ओपनिंग लिंक फ्रॉम द ब्लैंक ब्लिंकिंग कर्सर एज शोन इन फिगर सिक्स पॉइंट एट पॉइंट फोर में जो ब्लिंकिंग कर्सर है मेरे जहाँ पे आप राइट करते हैं वो ब्लिंकिंग लाइन होती है जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ब्लिंकिंग लाइन की पोजीशन से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं सो नाउ स्टेप थर्ड क्लिक ऑन फाइल टाइप फाइल टाइप पे क्लिक करना है देन सेव ऑप्शन पे जाके अपनी फाइल को दोबारा से सेव एज डायलॉग बॉक्स पर जाके उसको सेव कर देना है जैसा कि आपको सिक्स में शो हो रहा है स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं वहां से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बस आपको क्या है यहाँ से वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट को अपने समझना है और क्लियर से क्लियर करना है बेसिकली सेव से क्या करते हैं हम जो भी फाइल हमारी डॉक्यूमेंट है उसको सिंपली सेव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेव एज सेव एज का मींस होता है कि अपनी फाइल को दोबारा से सेव करना या फिर कुछ चेंजेस करके सेव करने को सेव एज बोलते हैं तो सेव एज से भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी स्टेप फोर गिव फाइल नेम फाइल का नेम देना है एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन फिर सेव बटन पे क्लिक करना है सेव द रिपोर्ट यू विल सी द नेम यू गिव फाइल इन द टाइटल बार जिस भी नाम से आप अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं वो आपको टाइटल बार की स्क्रीन पे स्टॉप स्क्रीन पे आपको शो करेगा जहां पे हमारे क्या होता है मैक्सिमाइज पहले मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं बेसिकली यू कैन कंटिन्यू राइट आफ्टर सेविंग आप क्या कर सकते हैं अपनी फाइल को सेव करने के बाद भी आप उसको कंटिन्यूटी के थ्रू या फिर दोबारा से आप उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं तो आगे भी आप उसमें राइट कर सकते हैं इन टेक्स फैक्ट द आइकन टू द लेफ्ट ऑफ द होम टैब इज द वर्ड पैड बटन वर्ड पैड बटन आइकन लेफ्ट टैब में शो होगा वेन यू क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द आयकन यू विल बी गेट अ लिस्ट ऑफ कॉमनली Used option. Means commonly जो options आपने किए हैं, वो होम टाइम में आपको शो करेगा है है को को किस किस तरीके तरीके से से करते हैं? का होता कि हम अपने text को changes के different, different view में उसको कर सकते हैं या फिर उसका फॉन्ट का स्टाइल है फॉन्ट का साइज है फॉन्ट का कलर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं या फिर और भी कई स्टाइल या टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इन सबको भी हम इफेक्टिव बना सकते हैं द रिपोर्ट दैट यू क्रिएट टू बी चेंज इन मैनी वेज टू लुक बेटर जो रिपोर्ट हमने रेडी की है उसमें क्या है उसमें कुछ चेंजेस करना उसको और बेटर बनाने में या डॉक्यूमेंट को चेंज करने में उसके परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं एडिटिंग लेटस सी हाउ वी कैन सी दिस रिपोर्ट इफ यर टॉकिंग अबाउट द फॉन्ट फोन का साइज कैसा है फॉन्ट कैसा है फोन कलर कैसा है फोन साइज कैसा है, है ये सारी चीजें मैटर करती है हमारे एडिटिंग डॉक्यूमेंट के लिए या फिर हमने जो डॉक्यूमेंट को रेडी किया है उसमें इन सारी चीजों का बहुत अहम रोल होता है वी ऑल राइट इन डिफरेंट हैंड राइटिंग हम जो भी लिखते हैं वो कई तरीके की राइटिंग हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं राइटिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग कैरेक्टर्स ऑन द पेज द डिफरेंट स्टाइल यूज बाय द कंप्यूटर तो डिस्प्ले टेक्स ऑन द स्क्रीन इसको फॉन्ट जो भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखा होता है जैसे हमारी जो बुक है प्रिंटेड है आप देख सकते हैं ये फॉन्ट है जिस तरीके से इसको टाइप करने के बाद एक फॉन्ट चूज किया गया होगा और एक इसका साइज भी चूज किया गया होगा ट्वेल्व या इलेवन जो भी पर्टिकुलर इसका टेक्स्ट का साइज होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें एक्चुअल वीजन जो है वो प्रॉपर दिख सके और हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकें तो उसके अकॉर्डिंग हम नीड के अकॉर्डिंग रखते हैं बेसिकली अगर एडिटिंग टेक्स्ट की बात करें तो एडिटिंग टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या है ये ब्लैक फॉन्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है ओके तो ब्लैक के ब्लैक जो फॉन्ट है उसका साइज थोड़ा सा कम है और जो रेड है उसका फॉन्ट साइज बड़ा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो हैडिंग की फॉर्म में डिनोटेड है बेसिकली उसकी बात यहां पर कर रहे हैं सो एज फॉन्ट हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आप चेंज करते हैं फॉन्ट को

रिलीज कर देना है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा सिलेक्ट हो गया ऑन द एरो नेम टू ड्रॉप डाउन बॉक्स एज शोन इन सिक्स एट सिक्स एट में आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉप डाउन एरो मिल जाएगा यहाँ से आप कई तरीके की चूज कर सकते हैं या भी आपका जो भी टेक्स डॉक्यूमेंट है आप उसमें क्या कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं इस ड राइटिंग के थ्रू इसमें आपका मोनोकर्सिव या फिर कैलबुलर कई तरीके की हैंडराइटिंग इसमें होती है या फिर हिंदी भी अगर फॉन्ट आपने चूज किया तो हिंदी भी आपको यहां से मिल जाएगा सो एज यू मूव योर माउस ओवर द फॉन्ट नेम द सेलेक्टेड टेक्स विल चेंज टू शो हाउ द टेक्स विल इन द न्यू फॉन्ट सेलेक्ट द फॉन्ट ऑफ योर चॉइस क्या करेंगे अगर हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो हम क्या करेंगे किसी भी फॉन्ट के ऊपर अगर हम जाएंगे माउस के थ्रू तो क्या होगा उसी के फॉर्म में हमारा जो पैराग्राफ है वो चेंज होकर आपको दिखाएगा कि किस तरीके का इस पैराग्राफ का लुक आएगा या किस तरीके की हैंडराइटिंग हो जाएगी जो क्या है आप विदाउट सिलेक्शन के आप इसमें नहीं देख सकते तो क्या करना पड़ेगा पहले सिलेक्शन करना बेस्ट रहेगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं चूज कर सकते हैं किस तरीके की आपको हैंडराइटिंग चाहिए है नेक्स्ट है टेक टॉक में देखिए क्लिक योर माउस ट्वाइस ऑन अ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द वर्ड एंड क्लिक थ्राइस सेलेक्ट द होल पैराग्राफ टू टाइम्स करेंगे तो क्या होगा किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए किसी वर्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं अगर माउस के लेफ्ट बटन को तो क्या होगा वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप किसी भी पैराग्राफ कहीं पे भी जाके आप ट्रिपल क्लिक करते हैं या फिर तीन बार लगातार क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस बटन को तो क्या होगा वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा या फिर अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए की का भी यूज कर सकते हैं या ऑल सेलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं सी टी आर एल प्लस ए इट मीन्स कंट्रोल ए जो फुल पैराग्राफ फुल डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ लीजिए फिर मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए फिर आपके स्टेप्स जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट फॉन्ट साइज साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स फिर क्या करना है है पे जाना है, आप से विंडो देख सकते हैं फॉन्ट साइज का इस तरीके से है जो भी आपको फॉन्ट चूज़ करना है यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए पैराग्राफ आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड होने पे क्या होगा आपका जो भी फॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा आपका जो भी फॉन्ट साइज है वो आपकी स्क्रीन पे शो करेगा कि कितना फोर्टीन लिया है सिक्सटीन लिया है फिर ज्यादा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड सो एज यू मूव योर माउस ओवर द फॉन्ट साइज सेलेक्टेड टेक्स विल चेंज टू शो हाउ द टेक्स विल इन द नेक्स्ट फॉन्ट साइज सेलेक्ट द फॉन्ट साइज ऑफ योर चॉइस फिर क्या करना है सिंपली आपको क्या करना है जैसे भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका टेक्स्ट आपको शो करेगा इन टेक कनेक्शन हैविंग और टेक कनेक्ट फॉन्ट साइज आर मेजर्ड इन पॉइंट्स और पीटी पॉइंट्स ऑफ पीटी में लेते हैं सेवेंटी टू पी टी इज गोड वन इंच वन इंच होता है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि सेवेंटी टू पॉइंट्स में बेसिकली क्या है टू इंचज बोला जाता है इसको नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं स्टेप सिक्स होगा हमारा क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर आइकन फिर क्या करना है हमें फॉन्ट का जो आइकन है आइकन फॉन्ट आइकन पे जाके हमें क्या करना है कलर चूज करना है इस तरीके से आप देख सकते हैं कलर विंडो के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका कलर चूज किया गया है एज यू मूव योर माउस ओवर द कलर्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल चेंज टू शो हाउ द टेक्स्ट विल इन द न्यू कलर सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस क्या करना है आपको कलर चूज करना है कलर के अकॉर्डिंग क्या होगा जो भी आप कलर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके जो आपने टाइप किया था या फिर जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका टाइप वो क्या होगा उसका कलर चेंज कर देगा देन क्या करना है स्टेप के अकॉर्डिंग चूज करना है कहीं पे भी आप जाके उसको डिसेलेक्ट कर देंगे और आपका जो भी फॉन्ट साइज आपने जिस तरीके से चूज कर रखा है आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को पा सकेंगे नेक्स्ट हमारा फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट का स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए किस तरीके का फॉन्ट स्टाइल होता है बेसिकली यू हैव एडिटेड फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर ऑफ द रिपोर्ट यू हैव क्रिएट जो भी आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं उसका आप फॉन्ट साइज है स्टाइल है फिर कलर है उसको चेंज कर सकते हैं या क्रिएट करने के डायरेक्शन में आप उसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं यू कैन ऑल्सो एडिट एनी पार्ट ऑफ द टेक्स फॉर इम्फेसाइज फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द टेक्स फर्स्ट लाइन एंड क्लिक ऑन बोर्ड तो क्या करना है आपको बोर्ड आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप से जाके होम टाइप से और अदरवाइज अगर शॉर्ट की शॉर्टकट की, की बात करें तो क्या क्या होगा सी टी आर एल प्लस क्या करना है आपको बी कैपिटल बी को प्रेस करना है बी की को प्रेस करना है चाहे कैप्स लॉक में हो या फिर नॉर्मल हो तो आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो जो भी आपने लाइन सेलेक्ट की है वो क्या होगा वो बोर्ड हो जाएगी सेम क्या होगा अगर इटैलिक यानी कि हल्का सा तिरछा अगर चाहते हैं टेक्स्ट के फॉन्ट को तो क्या करेंगे हम सी टी आर एल प्लस आई यूज़ कर लेंगे और अगर तीसरे की बात करें जो क्या है अंडरलाइन तो हम वहां से भी अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसी तरीके से ये हमारे मार्जिन दिए हैं लेफ्ट राइट अलाइनमेंट जस्टिफाई जो भी हैं तो अंडरलाइन अंडरलाइन करने करने के लिए करने के लिए लिए हम का यूज़ करेंगे स्टेप में देखिए क्लिक द माउस एनी वेयर इन विंडो टू डिस्प्ले द न्यू है जो हमें प्रीवियस में बेसिकली थी प्रीवियस में आप देख सकते हैं इस तरीके से विंडो शो होगी तो आप देख सकते हैं इसको और अगर अलाइनमेंट टेक्स्ट की बात करें अलाइनमेंट यानी कि जो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो हमारा लेफ्ट से शुरू होना चाहिए राइट right से शुरू होना चाहिए या फिर सेंटर से शुरू होना चाहिए या फिर जस्टिफाई में दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए तो इस चीज़ को देखते हैं एवरी पैराग्राफ और एवरी पेज वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज एवरी पेज इन वर्ड पैड हैज फोर मार्जिन फोर मार्जिन होते हैं बेसिकली टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट फोर मार्जिन होते हैं पोजिशन ऑफ द टेक्स विद रेस्पेक्ट

राइट right के लिए सेंटर के लिए होता है सिटी जस्टिफाई e, के लिए जे जस्टिफाई बोथ साइड के लिए क्या होगा इक्वल होगा तो चेंज अलाइनमेंट सेलेक्ट द टू बी अलाइंट एंड क्लिक ऑन अलाइनमेंट विच यू वॉन्ट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैप होम टैप से आप वहां से चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग बुलेटेड लिस्ट बुलेटेड लिस्ट आपने देखा होगा इसमें सर्कल होते हैं ब्लैक डॉट्स जैसे बने होते हैं इस तरीके से ऐसे इस फॉर्म में तो इनका यूज किस तरीके से किया जाता है या किस तरीके से ब्लटर लिस्ट आती है यू कैन ऑर्गेनाइज योर कंटेंट यूजिंग टू मेक डॉक्यूमेंट लुक नीटर एंड इंफॉर्मेटिव यू कैन क्रिएट टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन डॉक्यूमेंट नंबर लिस्ट एंड ब्लेटर लिस्ट बेसिकली टू टाइप्स होती हैं तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो डिशन में हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे अगर मैंने बात अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं या नंबर ऑफ क्लास मोनीटर्स कितने हैं तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं या फिर क्लिनिक इंचार्ज ये हैं और इसमें क्लास मॉनिटर्स ये हैं या बोर्ड इंचार्ज ये है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप उसको बुलेटिन लिस्ट में क्रिएट कर सकते हैं या फिर क्लास टीचर को भी दे सकते हैं तो इस तरीके से कोई भी लिस्ट अगर आप क्रिएट करते हैं या आपका कोई फेवरेट फूड आइटम है उसके आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि नंबर है। या फिर गोल सर्कल या फिर हम सर्कल्स का यूज करते हैं ओके सो इट टू क्रिएट अटन लिस्ट सो फॉलो द स्टेप्स फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इन पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम ड्रॉप डाउन एरो अपियर तो क्या होगा स्टार्ट अगर लिस्ट, स्टार्ट लिस्ट में में यहां से देख सकते हैं हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं यह आप देख सकते हैं यहां से तो यहां से आपको लिस्ट मिल जाएगी बुलेटिन लिस्ट मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को चेंजेस कर सकते हैं बना सकते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं बुलेटेड लिस्ट को क्लिक वर्ड पैड हेल्प यू टू क्रिएट एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स डॉक्यूमेंट वर्ड पैड क्या, है? First, create, क्या करता, है? करता है हमें किसी डॉक्यूमेंटमेंट को क्रिएट करने में एडिट करने में फॉर्मेट करने में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेकेंड क्या है चेंजिंग लुक बेटर इन अ इज कॉल एडिटिंग किसी भी लुक को बेटर करने के लिए फिर जो भी हमने टेक्स्ट राइट किया है उसको बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं वो क्या होती है एडिटिंग होती है द डिफरेंट स्टाइल यूज बाय द कंप्यूटर टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फॉन्ट जो भी हमारा जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट का साइज है स्टाइल है जो भी सारी चीज़ें चेंजेस करते हैं वो सारे क्या होते हैं फॉन्ट में आते हैं पोजिशन ऑफ द टेक्स विद रेस्पेक्ट टू द पेज मार्जिन इज कॉल्ड टेक्स अलाइनमेंट पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट की पोजीशन होती है चाहे वो लेफ्ट हो राइट right हो सेंटर हो या फिर जस्टिफाई हो ये सारे क्या होते हैं टैक्स अलाइनमेंट में आते हैं तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर की होगी तो स्टूडेंट अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगर, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे चलिए ठीक है स्टूडेंट्स फिर आज के सेशन में बस इतना ही देखेंगे और बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं ओके थैंक यू बाय बाय टेक केयर